हाँ जी बताएं क्या मामला था और क्या बात थी, पूरी घटना को विस्तार के साथ बताएं आपका। मैं पक दो अंकल और मैं बारह गया जन वो ना दौड़ बैठो पट्टा पट्टा पे बैठा रखे मेरा अपने फोन करियो फिर मैं पकड़े वो भाज गयो के कर रहे हो नागो रहे नागो हो। नमस्कार दोस्तों, श्री गंगानगर के श्री करणपुर से बड़ी खबर। श्री करणपुर 13 साल की विकलांग और मंद बुद्धि बच्ची के साथ 6 बेटियों के बाप द्वारा दुष्कर्म करने की कोशिश। श्री करणपुर थाने में दर्ज FIR संख्या 00/79/2024 धारा 354, 454, 509 व अन्य धाराओं में रघुनाथ पिता मोड़ाराम के खिलाफ दर्ज है। श्री करणपुर वार्ड 12-14 का निवासी भवरलाल पुत्र श्यामलाल नायक का कहना है कि मेरा परिवार 18 मार्च को मजदूरी करने के लिए मोड़ा गांव गया हुआ था। मेरे घर पर छोटे बच्चे थे, इसी दौरान रघुनाथ निवासी गसिमपुर रोड पर श्रीराम धर्मकांटा में लेबर का काम करता है और वहीं ऊपर कमरे में रहता है। दोपहर करीब 3 बजे आया और मेरी 13 साल की लड़की तनु विकलांग और मद बुद्धि है, उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लग गया और इसके साथ गंदा काम करने की नीयत से उसको परेशान करने लगा। इतने में भंवरलाल का बेटा दीपक जो 15 साल का है वो घर पर आया और उसने यह देखकर शोर मचाया तो रघुनाथ वहां से भाग गया। शोर मचाने पर आज आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने रघुनाथ को भागते हुए भी देखा। इससे करीब 1 महीने पहले रघुनाथ इसी मोहल्ले में रहने वाले मांगीलाल की लड़की 10 साल के साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश भी की थी। पुलिस द्वारा मामले की जांच CI सुरेंद्र कुमार को सौंपी गई है और इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। गसिमपुर रोड पर स्थित श्रीराम धर्मकांटा के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि रघुनाथ 6 बेटियों का बाप है और मंदबुद्धि बच्चियों को अपना शिकार बनाता है और उनसे संबंध बनाने की कोशिश करता है। इस तरह के मानसिक मुजरिम के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर न्यूज घटना स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।